किसी जगह पर एक कुआं था। कुआं में बहुत सारे मेंढक थे। मेंढक जानते हो, जो बरसात में टर्र टर्र करते हैं, मेंढक थे। एक राजा ने उस कुआं के बीच में एक स्तंभ बनाया, पत्थर का चीकना। राजा चला गया। मेंढकों की आपस में बात हुई कि जो भी इस दीपावली को इस स्तंभ के ऊपर मेंढक चढ़ जाएगा वो मेंढकों का सरदार माना जाएगा। अब जब रेस लगी तो आसपास के क्षेत्र के सभी मेंढक आए, सब चढ़ने का प्रयत्न करें पर फिसल जाएं, गिर जाएं। और दर्शक जो थे देखने वाले वो कहे चढ़ ही नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा फिसलन है, संभव नहीं है, मुश्किल है चढ़ पाना, बिल्कुल भी संभव नहीं है। सब आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक मेंढक बार बार चढ़ रहा था, गिर रहा था। वह धीरे धीरे प्रयास करते करते चढ़ गया और चोटी पर जाकर के बैठ गया। तो लोग बाह बाही करने लगे, पीठ ठोकने लगे, और जो ये कह रहे थे कि चढ़ ही नहीं सकते, लोगों के स्वर भी दो मिनट में बदल जाते हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे इसमें जना इसमें जुनून है, ये चढ़ सकता है, दो मिनट में बदल गए। बोलने वाले इतने खतरनाक होते हैं दुनिया वाले, जो तुम्हें गाली दे रहे इनका स्वार्थ का काम आ जाए, दो मिनट में बदल जाएंगे। जो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी नहीं, वो दो मिनट में कहे हैं हमें तो पहले ही पता था तुम्हारे जैसा सज्जन इस दुनिया में है ही नहीं कोई। तुरंत स्वभाव बदल जाता है। तो लोगों ने पीठ थपथपाई, अरे भाई बहुत गजब का काम किया, आप चढ़ कैसे गए, अपना रहस्य बताओ। तो पीछे से एक आवाज आई, सुनो, वो मेंढक सुनता नहीं है, बहरा है, यही चढ़ने का रहस्य है, उसकी मंजिल पर पहुंचने का यही रहस्य है कि लोग चिल्लाते रहे पर वो निरुत्साहित नहीं हुआ और मंजिल को पा गया। उसी प्रकार जोधपुर के पागलों, तुम घबराना मत, परेशान मत होना, हम तुम्हारे अंदर निष्ठा जगाने आए हैं, तुम्हें बागेश्वर हनुमान भी मिलेंगे, बालाजी की कृपा भी मिलेगी और तुम्हारी जय जयकार भी होगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। लेकिन दुनिया वालों की बातों में नहीं पड़ना, दुनिया कुछ भी कहे तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। अगर तुम लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे तो तुम सफलता पा जाओगे, हनुमान जी को पा जाओगे और दुनिया में तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। एक बात और, आह, बेटा और बेटी वो नहीं जो माता पिता के नाम से जाने जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। आप ऐसा नाम कमाओ, ऐसी भक्ति करो। अभी हम जब बैठे थे गजेंद्र जी के यहां पर तो चर्चा हो रही थी मीराबाई की। भैया हमारी मेवाड़ की मीराबाई, राजस्थान की मीराबाई, भारत का ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे उनकी भक्ति पर नाज ना हो। आदर्श है भक्ति मता माता मीराबाई, जिन्होंने गोविंद को पा लिया। मेरे प्रियजनों, ये राजस्थान की ही चर्चा है। राजस्थान तो शौर्य पराक्रम और भक्ति की भूमि है। यहाँ एक से एक वीर हुए, एक से एक भक्ति मता माता हुई। मेरे प्रियजनों, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जाग जाओ, तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ो। चमत्कारों से भला नहीं होना है, तुम्हारा कल्याण तो हनुमान जी के चरण पकड़ने से होना है।